जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे और माँ दुर्गे की पूजा और आराधना में लगे हुए होंगे। तो आज बात करते हैं कि माँ दुर्गे को सबसे प्रिय कौन सा फूल है और नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गे को प्रसन्न करने के लिए कौन से फूल हमें अर्पित करने चाहिए और क्यों, और कौन से पुष्प माँ दुर्गे को बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। वैसे तो माँ दुर्गे को बहुत सारे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि गुड़हल, गुलाब, गेंदा, कमल, शंख पुष्पी और भी बहुत तरह के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ कि माँ दुर्गे को कौन सा पुष्प बहुत ही प्रिय है और क्यों। तो एक पुष्प है जो कि माँ दुर्गे को इस समय जरूर से जरूर चढ़ानी चाहिए, उसके बिना माँ दुर्गे की पूजा अधूरी होती है, जो कि माँ को बहुत ही प्रिय है वह पुष्प। तो लाल गुड़हल का फूल माँ दुर्गा को अति प्रिय है। देवी माँ आदि शक्ति हैं और लाल रंग शक्ति का प्रतीक होता है। यह रंग ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। माँ दुर्गा का गुड़हल के पुष्प में विशेष वास माना जाता है। पुष्प के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है। सरिया भाग में मंगल का प्रतिनिधित्व होता है। रक्त वर्ण रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है और माना गया है कि पुष्प के अंकुरण पर गुरु का वास होता है। अंकुरण के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास होता है। पुष्प के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। तो दुर्गी माँ पे गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उतना ही हितकारी होता है जितना कि भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाने से होता है। वैसे तो नवरात्रि में 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और उनके अलग अलग स्वरूप के अनुसार उन्हें अलग अलग तरह के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि वह कौन सा पुष्प है जो माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए, जिसको चढ़ाने से माँ नाराज हो जाती हैं। तो वह पुष्प है आक और मदार का। तो आक और मदार का पुष्प माँ को नहीं चढ़ाना चाहिए। और वैसे तो फल में भी है कि कुछ ऐसे विशेष फल हैं जो कि चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं, और पुष्प के अलावा दुर्वा वगैरह भी नहीं माँ को चढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पुष्प की बातें कर रही हूँ कि माँ को अति प्रिय कौन सा पुष्प। इन दिनों हमारे यहाँ गुड़हल के किसी भी प्लांट्स पर कोई भी फूल नहीं नजर आएंगे। कलियां तक लोग तोड़ लेते हैं, 2:30 बजे से ही तोड़ते हैं। और इन दिनों हमारे यहाँ गुड़हल के फ्लावर्स बाजार में कम से कम 3 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मिलते हैं। वैसे तो देसी गुड़हल के प्लांट्स सभी के घरों में पाए जाते हैं, हमें जरूर से जरूर लगानी भी चाहिए। और अगर आपके पास जमीन नहीं है, जगह नहीं है, तो पॉट में, टेरिस पे, बालकनी में भी गुड़हल लगा सकते हैं। और पॉट में गुड़हल से अधिक फ्लावर्स कैसे लें, उसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालें, इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। गुड़हल के फायदे भी बहुत ही अधिक हैं। गुड़हल के फायदे के बारे में भी मेरी वीडियो बनी हुई है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे तो मैं इंडस्क्रीन में लगा दूंगी। यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग कि माँ दुर्गे को कौन सा पुष्प अति प्रिय है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जय माता दी। दोस्तों, मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।